मैं घंटी बजा रहा हूँ, कोई गेट ही नहीं खुल रहा। चलो मैं फोन लगा लेता हूँ। पापा जी का फोन मेरे पास? हेलो, कौन बोल रहा है? बहू, मैं तुझसे और बेटे से गांव से मिलने आया हूँ, कोई गेट ही नहीं खोल रहा। अच्छा पापा जी। बेटा मैं बहुत देर से गेट पर खड़ा हूँ, घंटी भी बजा रहा हूँ, कोई गेट तो खोल दो आकर। ये बुढ़ा हमारे घर आ गया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? लगता फोन काट दिया उसने। चलो एक बार और फोन लगाता हूँ। ये बहू का फोन क्यों बंद हो गया? ये कहाँ से आ गया, मेरा तो पूरा दिमाग खराब कर दिया। हेलो, अरे बेटा तू कहाँ है? मैं बहुत देर से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। पापा मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ, मैं तो शहर के बाहर हूँ। मैं तुझसे मिलने गांव से आया था बेटा, अब तो जाने का भी पैसा नहीं है, क्या करूँ मैं? पापा आपको किसने बोला मुझसे मिलने आओ? बेटा मुझे तेरी याद आ रही थी, मैं इतने दिन से पैसे इकट्ठा कर रहा था तुझसे मिलने के लिए। पापा मेरी बीबी आने वाली है, परेशान मत करो मुझे। ठीक है बेटा, अब मेरे पास पैसा तो नहीं है गांव जाने का, अब भीख मांग के जाना पड़ेगा मुझे, क्या करूं मैं? आपको जो करना है करो, मुझे फोन मत लगाओ। हे ऊपर वाले, पराए जगह पराए लोग, मैं किससे मदद मांगू? मेरे तो मेरे बच्चों ने ही धोखा दे दिया। हे ऊपर वाले, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है, मुझे तो बस घर पहुंचवा दे। अंकल। बेटा तू कुछ मेरी मदद कर देगा? हाँ अंकल, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका गांव कहाँ पर है मुझे बताओ, मेरे पास कार है, मैं आपको कार से घर छोड़ दूंगा। सच में बेटा तू मुझे छोड़ देगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको छोड़ दूंगा। बेटा लगता है ऊपर वाले ने तुझे मेरे लिए भेजा है, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ तू हमेशा खुश रहे। शुक्रिया अंकल। वैसे आप ये तो बताओ कि आप इतना परेशान क्यों हो? बेटा बात ऐसी है, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया। कोई बात नहीं अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं सबको सबक सिखाऊंगा, आप बस मेरा साथ देना। चले आप। ये हुई ना कोई बात अंकल, अब आएगा मजा। आइए आप गाड़ी चलाइए। क्या बेटा सच में मैं गाड़ी चलाऊं? हाँ बिल्कुल, मेरे तो पाँव में दर्द है, आप चला लो ना। बेटा मेरी दिली ख्वाहिश थी गाड़ी चलाने की, पर बेटा जो भी मैंने जिंदगी में पैसा कमाया मैंने अपने बच्चों पे लगा दिया, इसीलिए मैं अपनी कार नहीं ले सका। अंकल जी ये कार अपनी समझे और मुझे अपने बच्चे जैसा समझे, आइए आप चलाइए। अरे ये तो मेरे पापा है, इतनी बड़ी कार में, इतने पैसे आ गया पापा के पास, अभी उनके गाड़ी सीन। अरे रास्ते पे क्यों खड़ा हो गया, साइड में हट। पापा आप कैसे हो? कौन है तू, हट यहाँ से। पापा आप मुझे भूल गए क्या, मैं आपका बेटा। तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा गाड़ी में बैठा है। पापा आप मुझे कैसे भूल सकते हो, और इतनी बड़ी गाड़ी कब ली पापा? ओए एक बार बोल दिया ना, दूर हट। और ये मेरे पापा है, हाँ माना कि खून से नहीं पर इंसानियत से हम दोनों का बाप बेटे का रिश्ता है। ये क्या फालतू बकवास है, ये मेरा पापा है। बिल्कुल चुप, मैंने सब कुछ सुन लिया था। और तब कहाँ गए थे तुम्हारे पापा, जब वो रोड पर खड़े होकर रो रहे थे, गेट पर खड़े होकर तुम्हें फोन लगा रहे थे, और तुम बोल रहे थे कि मैं शहर से बाहर हूँ। और हाँ आज मेरे माँ बाप नहीं है, मुझसे पूछो कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है। एक बात याद रखना, सबसे बड़ा दुनिया का जो रिश्ता होता है ना वो माँ बाप का होता है, और वो एक बार अगर दुनिया से चले जाए ना तो लौट के कभी। हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही बोला, पापा पापा मुझे माफ कर दो। तू माफी किस बात की मांग रहा है, तू जैसी औलाद होने से तो अच्छा था मैं भी औलाद होता। माफ कर दो पापा, ये सब जो भी कुछ हुआ ये आपकी बहू की वजह से हुआ। मैं तुम्हें ये आखिरी बार समझा रही हूँ, मैं जब तक इस घर में हूँ तुम्हारा बाप इस घर में नहीं आना चाहिए, और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी हमारा हिस्सा तो हमें मिल चुका है, तुम जैसे बोलोगी वैसे ही करूंगा। ठीक है, अब से तुम्हारे घर का कोई भी इंसान इस घर में आने की कोशिश करे तो उसे बाहर के बाहर भगा देना। बहू तो पराई थी लेकिन तू तो मेरा अपना था। माफ कर दो पापा, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। और थैंक यू भाई, आज अगर आप नहीं होते तो मैं मेरे पापा से मिल नहीं पाता। कोई बात नहीं भाई, कम से कम तुम्हें समझ में तो आ गया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आज ये है ना तो इनकी कद्र कर लो, नहीं तो वैसे भी लोग अकेले ही जिंदगी काट रहे हैं। पापा चलो आप अपने घर। दोस्तों माता पिता का साथ होना ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है, इसलिए माता पिता का साथ कभी ना छोड़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना।